वो मोहतरमा थी जो जहाज में पीएम के साथ चलती हैं। वो मोहतरमा अपने नाम के आगे भी गलती से एक बार बोल चुकी हैं कि मैं हूँ फला फला मोदी, समझे? तो वैसी पत्रकार को अगर बिहार की जनता गो बैक के नारे लगाती क्या? बिहार के लोगों ने ये बता दिया कि नो मुस्लिम, नो हिंदू, नो सिख, नो ईसाई, चूंकि लोकतंत्र पर आप प्रहार कर रहे हैं इसलिए हम आपको गो बैक कह रहे हैं। बहुत अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और बिहार से कई क्रांतियों का जन्म हुआ है। शायद इस तरह के गोदी मीडिया पर भी लगाम बिहार के लोग अपने पसंदीदा एंकर को कितना उपहार देते हैं, अपने पसंदीदा चैनल को कितना ऐड देते हैं, ये बातें कहीं अब छुपी हुई नहीं। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तरह से गोदी मीडिया वहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है, गोदी मीडिया को जिस तरह से अंजनाम गजब की बेइज्जती हुई वहाँ पे, लोगों ने नारे लगाए, गो बैक के नारे लगाए, क्या मीडिया को ये मास्टर स्ट्रोक कर रही थी कि भाजपा मास्टर स्ट्रोक खेल रही है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ इनको लग रहा है कि ये धोखा है, पलटूरा में सारी बातें कह दी गई। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले, जिनको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, अगर वो पक्षपात करने लग जाए तो जनता जनता उसका भी हिसाब करेगी। जनता सिर्फ नेताओं का हिसाब नहीं करती है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में जनता सबका हिसाब कर देती है। श्रीलंका का उदाहरण आपके सामने है, राष्ट्रपति भवन तक को कब्जे में ले लिया, सबको भागना पड़ गया। जिसके जिसकी गाड़ी निकलने से पहले सदाएं बुलंद होती थी, सायरन बजाए जाते थे और 1 किलोमीटर तक रास्ता साफ कराया जाता था, वो भागने के लिए जनता से हाथ जोड़ रहा था कि मुझे सिर्फ यहाँ से निकलने की मोहलत दे दो। कई हालात भारत में ही पैदा होंगे। नहीं नहीं, भारत श्रीलंका नहीं बनने जा रहा, ये इस गलत फहमी को भी सोशल मीडिया पर मत जाइए। भारत अलग है, लेकिन भारत का लोकतंत्र श्रीलंका से 50 गुना मजबूत है। यहाँ की जनता जिस दिन खड़ी होगी उस दिन बड़े से बड़ा ताकतवर तानाशाह भी घुटने टेक देगा, चूंकि भारत उस धरती का नाम है जहां अनेकों आक्रमणकारी आए, भारत की जनता ने भगाया, कोई राजनेता ने नहीं भगाया। तो तानाशाह किसको बोल रहे हैं आप? कोई भी, मैं ये कह रहा हूं कोई भी हो, कितना बड़ा अपने आप को कुछ नहीं समझता हो कि मैं 50 साल रहूंगा, 100 साल रहूंगा, ये कर दूंगा, ये सब जनता के सामने नहीं चलता। भारत की जनता प्रबुद्ध है, जब तक हवा में बारी बारी, ज्यों हवा बदली, पूर्वा चलता है तो धूल उधर उड़ता है और पछिए चलता है, तो जब हवा बदलेगी एक दिन में सब एक उड़ जाएगा। गोदी मीडिया की हम बात करें, बॉडी लैंग्वेज चेंज कैसे हो जाएगी? मतलब एक महीने के अंदर महाराष्ट्र में कुछ और, बिहार में कुछ और बात करें कि जो दोनों जगह सत्ता परिवर्तन हुआ, एक जगह बीजेपी को हासिल हुआ, एक जगह बीजेपी ने गंवाया। आप लोगों को कोई बात आप लोगों से छुपी हुई है क्या, पहले ये बताइए, क्या खेल होता है सत्ता में बैठे लोग अपने पसंदीदा अखबार के एडिटर को कितना ऐड देते हैं, अपने पसंदीदा एंकर को कितना उपहार देते हैं, अपने पसंदीदा चैनल को कितना ऐड देते हैं, ये बातें कहीं अब छुपी हुई नहीं। तो अगर सरकार से आपको आशीर्वाद प्राप्त है और आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप अपने किस्मत को क्यों बर्बाद करेंगे? देश बर्बाद हो जाए तो हो जाए। आज की तारीख में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक हो, दोनों की स्थिति सेम ये है कि विज्ञापन प्राप्त करने के लिए, सरकार का आशीर्वाद लेने के लिए देश की बलि चढ़ा रहे हैं। जो नॉन इश्यूड हैं, जो जिससे आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, उसको हाईलाइट करके रखना है, उसी को ब्रेकिंग न्यूज बनाना है, उसी को सुर्खी बनानी है, हेडिंग वही रहेगा जो नॉन इशू है। और जो इशू है, आपने कभी इशू पर देखा हेडिंग बनते हुए कि एक आदमी अस्पताल में दम तोड़ दिया, नंबर नहीं लगा, एक आदमी जो है डेथ बॉडी को मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा है, क्या ये हेडिंग बना क्या, ये ब्रेकिंग न्यूज बना क्या? नहीं बनता ना। क्या जनता समझ रही है क्या, जिस तरह से एक बड़े चैनल की एक बड़ी पत्रकार जो बिहार के अंदर गई तो गो बैक के नारे लगाए? जनता ना समझती तो गो बैक के नारे लगाती क्या? वो पत्रकार थी वो मोहतरमा जो अमेरिका, रसिया, जापान सबके प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू ले चुकी है, वो मोहतरमा थी जो जहाज में पीएम के साथ चलती है, वो मोहतरमा अपने नाम के आगे भी गलती से एक बार बोल चुकी है कि मैं हूँ फला फला मोदी, समझे? तो वैसी पत्रकार को अगर बिहार की जनता ने, और सुन लीजिए, बिहार की जनता का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं, अब तक तो ये इल्जाम था मीडिया वालों का, एक विक्टिम कार्ड था कि मुसलमान हमको देखकर
परेशान करता है आर भारत को देखकर, जी न्यूज को देखकर, आज तक को देख, इस तरह के तमाम चैनलों को देखकर मुस्लिम मोहल्ले में जो है जाते हैं तो गो बैक के नारे लगते हैं या उनके धरना प्रदर्शन में। लेकिन बिहार के लोगों ने यह बता दिया कि नो मुस्लिम, नो हिंदू, नो सिख, नो ईसाई, चूंकि लोकतंत्र पर आप प्रहार कर रहे हैं इसलिए हम आपको गो बैक कह रहे हैं। और ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। और बिहार से कई क्रांतियों का जन्म हुआ है, शायद इस तरह के गोदी मीडिया पर भी लगाम बिहार के लोग ही लगाएं। एक सवाल है तिरंगा से लेंगे कि जैसे कह रहे हैं कि जो राशन बेचने वाले लोग हैं वो जबरदस्ती तिरंगा खरीदवा रहे हैं, गरीब लोग हैं जिनको पैसे नहीं है। पक्की खबर है आप लोग के पास? मुझे खबर नहीं है। अगर ये खबर पक्की है सोशल मीडिया पे चल रहा है, हाँ, तो ये गलत है सरासर। दूसरी बात है कि तिरंगा के विषय में केवल दो लाइन आप समझें। तिरंगा पूरा भारत का 135 करोड़ व्यक्ति तिरंगा लेकर सड़क पर अगर घूमे तो क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विकास हो जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा, आप ताकतवर हो जाएंगे। आप तिरंगा लेकर लड़ेंगे अपने दुश्मनों से या हथियार लेकर लड़ेंगे? आप तिरंगा लेकर खाना खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे या पैसे से कमाएंगे? तो तिरंगा का यह अपमान है। आपको ये बता दूं, ये सरकार जो कुछ कर रही है, लाख राष्ट्रवादी और माने भारत प्रेमी की बात करे वो, लेकिन ये तिरंगे का अपमान होगा यदि किसी पर तिरंगा थोपा जाएगा। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि सरकार की ये पॉलिसी सरासर गलत है। एक बात बताऊँ आपको, दिल्ली में आप खड़े हैं, दिल्ली में जितने झुग्गी झोपड़ी अनधिकृत है, अनधिकृत गैर कानूनी कब्जाधारी जो कब्जा किए हुए सब तिरंगा लगाए हुए, 5 साल से 10 साल से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं, तो वो तिरंगा लगाने वाला क्या माने भारत का चहेता हो गया? आप गलत सरकारी जमीन पर कब्जा करके झुग्गी डाल रहे हैं, तिरंगा लगा रहे हैं। जितने गैर कानूनी तिजारत करने वाले लोग हैं वो तिरंगा लगा रहे हैं। और एक बड़ी बात, धार्मिक जुलूसों में तिरंगा लेकर निकल रहे हैं और एक दूसरे धर्म को गाली बक रहे हैं। ये कौन सा प्रेम है भाई? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति जगाई जा रही है, ये राष्ट्रभक्ति है। नहीं नहीं, ये राष्ट्रभक्ति है कि मुहर्रम में या रामनवमी में या हनुमान जयंती में जो कि धार्मिक उत्सव है आपके, तो आप धार्मिक झंडा रखते। ये तो भारत में अनेकता में एकता, इसी का तो नाम भारत है, तो फिर आप तिरंगा क्यों ले रहे हैं? तिरंगा तो 15 अगस्त 26 जनवरी में आपको रखना चाहिए, लेकिन धार्मिक उत्सव में रख रहे हैं और तिरंगा ही लेकर दूसरे धर्म के मस्जिदों और मंदिरों पर आप हमले कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम नहीं है, ये सरासर तिरंगा का अपमान है। इसलिए अब आप देखें ना, अगर सही से पुलिस चेकिंग करने लग जाए ना, तो जितनी गाड़ियों में देखेंगे ना ज्यादा तिरंगा है, समझ जाए उसके कागज पत्र कम है। ये भी आज बता रहा हूँ, ये बड़ी राज की बात बता रहा हूँ। अगर पुलिस खड़ी है सड़क पर, जितने भी इन्फोर्समेंट हैं सड़क पर लग जाए, देखेंगे जिस गाड़ी में सबसे ज्यादा तिरंगा लगा हुआ, 4-5 झंडा, उसको रोक लीजिए, एक भी कागज न मिलेगा। ये मतलब क्राइम पर पर्दा डालने का आड़ बना लिया गया है कि ज्यादा राष्ट्रभक्ति दिखाएंगे तो लोग हम पर शक नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल है, जो हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं लेकिन जिनको घर नहीं है वो कहाँ तिरंगा लगाएंगे, जो प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं? 4 दिन और बचे हैं, इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। 4 दिन के बाद मैं भी आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था भाइयों बहनों, 75 वर्ष जब आजादी के पूरे होंगे, जब हम अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, आजादी के 75 साल पूरे होने पर, भाइयों बहनों, भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। तो पहली बात तो मैं ही बोल दूं, मैं हाफिज गुलाम सरवर फिर बोल रहा हूं, कई बार कई चैनलों पर बोल चुका हूं, क्या पता आप पर भी बोला हूं। मेरा नाम हाफिज गुलाम सरवर है, मेरा घर बेगूसराय जिला के मुजफ्फरा में है। जितनी भी एजेंसियां हैं वो एजेंसियां जाकर जांच कर ले, मेरा अपना मकान नहीं है, दिल्ली में भी मैं किराए पर हूं, गांव में भी मेरा मकान नहीं। तो जब मेरे जैसे लोगों के पास मकान नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितने लोग होंगे जिनके पास मकान नहीं होंगे। और अगर मकान है तो ये पन्नी टान टान के तिरपाल खींचकर कौन लोग शहर में रह रहे हैं? इसका सर्वे क्यों नहीं हो रहा? क्या ये पाकिस्तानी बांग्लादेशी है? रेड लाइट पर भीख मांगने वाले कौन लोग हैं? जब 75 वर्ष में सबको घर और घर में नल और जल और सबको आमदनी का जरिया और सबको रोजगार मिल ही जाएगा, तो लाल बत्ती पर भी कौन मांग रहा? दिल्ली देश की राजधानी और एक भी रेड लाइट ऐसा नहीं है जहां भीख मांगने वाले लोग खड़े नहीं हैं। इसलिए ये सारे बकवास 5 दिन के बाद सामने आएंगे। देश के विपक्ष के नेताओं को चाहिए कि प्रधानमंत्री जी के इस वादे को देश के सामने लाया जाए और एक सर्वे कराइए व्यापक स्तर पर, कितने मकान वाले हैं, कितने बिक्रम मकान वाले हैं, सारा मामला सामने आ जाएगा।
चलिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैन चला दो। अब फैन चलाइए और किसी के भी